بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله عزيز طلبة طالبات بسم الله الرحمن الرحيم تقابل اديان و مذاهب کا سبق نمبر 41 آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے کنفیوشس اور اسلام کا تقابلی جائزہ آج کے اس سبق میں ہم اسلام اور کنفیوشس کے درمیان چند موضوعات का तकाबुल करेंगे और उन मौजूदात से ये देखेंगे कि इससे मुतालिक दोनों की तालीमात क्या क्या हैं और उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मुमासलत हैं, क्या क्या इत्तिफाकात हैं, ये सब चीजें देखेंगे। इससे पहली चीज खुदाए वाहिद यानी तौहीद का। कन्फ्यूशियसिज्म में अगरचे एक हस्ती आला का तस्वूर पाया जाता है लेकिन उसे कहीं भी खुदा का लफ्ज नहीं दिया गया। क्या हम इस मफहूम के करीब करीब एक लफ्ज का सुराग मिलता है इसका तर्जमा हाकिम मुतलक से किया जाता है और वो लफ्ज है संगति। इसके साथ एक और लफ्ज टी यन का भी इस्तेमाल मिलता है जिसका माना आसमान। कन्फ्यूशियसिज्म के मुताबिक फितरत के मुतालबात खुदाई अहकाम के मुतरादिफ है, इसलिए जो शख्स अहकाम फितरत की खिलाफ वर्जी करता है दर हकीकत वो संगति के खिलाफ बगावत करता है। कन्फ्यूशियस की आमद से कबल चीन के लोग बुत परस्ती के मरज में मुबतला थे और रूहों के पुजारी थे। कन्फ्यूशियस ने उनकी इसलाह की थी मगर उसके मरने के बाद उनमें ये चीजें फिर आउट कराई और वो फिर उन्हीं अमराज में मुबतला हो गए। इस पूरी इबारत में ये बताया गया कि एक खुदा या तौहीद का जो तस्वूर है वो कन्फ्यूशियसिज्म में सिर्फ इन दो अल्फाज से समझा जा सकता, एक शंटी और एक टीयन। इन दोनों अल्फाज एक के माना आसमान के, एक के माना हाकिम मुतलक के, लेकिन ऐसा कोई वाज़ह इबारत नहीं है जिससे यह पता चले कि कन्फ्यूशियसिज्म में एक खुदा का कॉन्सेप्ट। अलबत्ता एक बात यह है कि कन्फ्यूशियसिज्म में कहा जाता है कि फितरत के जो मुतालबात वो खुदाई अहकाम के मुतरादिफ, यानी अगर कोई आदमी फितरत के मुतालबात को तस्लीम करता है, फितरत के मुतालबात पर अमल करता है, फितरत के मुतालबात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुदा के अहकाम पर अमल करता। और एक तीसरी बात ये कि कन्फ्यूशियस के आने से पहले चीन में बुत परस्ती आम थी और रूह की पुजारी के पुजारी थे, अजदाद परस्ती थी। कन्फ्यूशियस ने आकर के इन सब चीजों पे पाबंदी लगाई। इससे पता चलता है कि अगर कन्फ्यूशियस ने अजदाद परस्ती रूह परस्ती को मना किया इसका मतलब कि वो शिर्क का मुखालिफ था और जब वो शिर्क का मुखालिफ था तो तौहीद का मुआफिक होगा। बस ये इशारात है, कोई वाज़े इबारतें नहीं मिली। यानी कन्फ्यूशियस की इस तालीमात के बरक्स इस्लाम सिर्फ एक अल्लाह की परस्तिश और इबादत करने का हुक्म देता है जिसकी हैसियत महज एक हाकिम मुतलक की नहीं बल्कि एक ऐसी जात की है जो मुस्तजमेउ सिफात और हर किस्म के उयूब से मुबर्रा मुनज्जा है। इस्लाम में माबूद बरहक का तसव्वुर बहुत वाज़े है जबकि कन्फ्यूशियसिज्म में इसके मुतालिक एक गैर वाज़े और मुबहम तसव्वुर पाया जाता है। यानी इस्लाम का जो तौहीद का पैगाम वो बहुत वाज़े और कन्फ्यूशियसिज्म में मुबहम बातें हैं, कोई वाज़े बातें नहीं है, सिर्फ इशारात है। दूसरा मौजू है हयात बादल मौत। हयात बादल मौत यानी मरने के बाद की जिंदगी से मुताल्लिक कन्फ्यूशियसिज्म में यह है कि कन्फ्यूशियस ने चूंकि माबादत तबीयाती मसाइल पर इशारतन और किरायतन रोशनी डाली है इसलिए हयात बादल मौत से मुताल्लिक भी सिर्फ इशारा मिलता है, कोई वाज़ह तसव्वुर नहीं मिलता। इस्लाम में न सिर्फ ये कि बास बादल मौत यानी हयात बादल मौत का तसव्वुर मौजूद है बल्कि इसे अकायद के बाब में इंतहाई अहमियत हासिल और इस्लाम के तीन असासी अकायद में से एक अकीदा आखिरत भी है जो हयात बादल मौत का दूसरा नाम है। इस पूरी इबारत में बताया गया कि हयात बादल मौत से मुताल्लिक कन्फ्यूशियसिज्म में तो सिर्फ इशारे और किनाये, तौहीद की तरह इसमें भी कोई वाज़े तस्वूर नहीं है और इस्लाम में इसका इतना वाज़े तस्वूर है कि इसको अकायद का हिस्सा बनाया गया और न सिर्फ ये कि आम अकायद में इसको शुमार किया गया बल्कि बेसिक और बुनियादी जो तीन अकायद है इस्लाम के तौहीद रिसालत और तीसरा अकीदा आखिरत का रखा गया। तख्लीक कायनात की कायनात की पैदाइश कैसे इससे मुताल्लिक तख्लीक कायनात के उनवान में कन्फ्यूशियस को कोई दिलचस्पी न थी कि उसका इसका ताल्लुक जमाने माजी से है और कन्फ्यूशियस जमाने हाल में गौर व फिक्र का दाई था। वो माजी और मुस्तकबिल के चक्करों में पढ़कर
अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। इस्लाम ने तख्लीक कायनात की मुकम्मल हकीकत को वाज़ेह किया, माजी, हाल और इस्तकबाल तीनों के अहकाम बयान किए और इस बात का दर्स दिया अपने माजी को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये कि तख्लीक कायनात यानी काई दुनिया कैसे बनी, कब बनी, किस तरह बनी और इसकी क्या हकीकत है, इसके बारे में कन्फ्यूशन में कोई तफसील कोई बात नहीं, इशारे किनारे से कोई। इसकी वजह यह है, कन्फ्यूशन में इसके कोई तशव्वुर ना होने की वजह यह है, कन्फ्यूशस जो है वो हाल की बात करते थे सिर्फ, उनका ताल्लुक वो माजी और मुस्तकबिल के चक्कर में पड़ती नहीं थी, उनको इस बात से मतलब नहीं था कि माजी में क्या हुआ या मुस्तकबिल में क्या होगा, बल्कि मौजूदा वक्त में क्या है, कैसे रहना चाहिए, इंसान किस तरह जिंदगी गुजारे, इन ये सब चीजें कन्फ्यूशस में बहस की जाती थी और माजी में ना बहस करने की वजह से उन्हें तख्लीकी कायनात से भी कोई बहस नहीं मिली। इसके इस्लाम में यह है कि तख्लीक कायनात पे मुकम्मल रोशनी डाली गई, ये बताया गया है कि दुनिया कैसे बनी और किसने बनाया दुनिया को, बनाने का मकसद क्या है और कब तक ये दुनिया रहेगी, क़यामत कायम होगी, दुनिया खत्म होगी, उसके बाद फिर कौन सी दुनिया आएगी, तमाम तफसीलात इस्लाम में, यानी इस्लाम में माजी की भी बात है, हाल की भी बात है और मुस्तकबिल की भी बात की गई है। दुनिया कैसे बनी, माजी की बात हो गई, प्रेजेंट टाइम पे आपको कैसे रहना है इसके बारे में बात की गई, शरिया काम और कवानीन नाफिज किए गए, ईमान अकायद की तमाम तफसीलात, फिर उसके बाद मुस्तकबिल में क्या होगा, मरने के बाद फिर आपकी दूसरी जिंदगी शुरू होती, दूसरी जिंदगी शुरू होगी, उसमें वो आप मुस्तकिल है। आलमगीरियत कन्फ्यूशियसिज्म में इस बात की सलाहियत हरगिज नहीं कि वो पूरी दुनिया में बसने वाले हर इंसान की दीनी और मजहबी जरूरियात के लिए काफी हो सके, और न ही उसने ये दावा किया। इस्लाम न सिर्फ ये कि आलमगीरियत का दावा करता है बल्कि इसका अमली सबूत भी पेश करता है। आलमगीरियत का मतलब ये है कि ऐसा निजाम जो पूरी दुनिया में चल सके, पूरी दुनिया के लोग उस पर अमल कर सके। तो कन्फ्यूशियसिज्म में कोई ऐसी सलाहियत नहीं है, उसको दुनिया के हर खित्ते के लोग, हर इलाके के लोग, हर कौम उसको एक्सेप्ट कर। इसके बरखिलाफ इस्लाम में ये, इस्लाम इसका दावा भी करता है, इसका अमली सबूत भी पेश करता है और माजी में इस तरह के वाकयात भी इस्लाम ने साबित किए कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कौम किसी भी खित्ते पे इस्लाम के निजाम को नाफिज किया जा सके। हिफाजत कन्फ्यूशियसिज्म पर कई मरतबा दौरे इत्तला आया और उसका मजहबी व तारीखी वर्षा कई मरतबा शिकस्त रेख का शिकार हुआ। इसकी बिना पर अब यकीन के साथ ये कहना मुश्किल है कि उसकी तालीमात सही अंदाज में मौजूद है, जबकि इस्लाम की मुकदस तालीमात के लिए जिस किताब का इंतखाब किया गया उसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद रब्बुल अरबाब ने उठाया है, इसलिए उसकी एक एक चीज के सही होने की हल्फिया जमानत उठाई जा सकती है। इसका ये कि इस्लाम और कन्फ्यूशियसिज्म में तहफ्फुज और हिफाजत की जो बात है कि कन्फ्यूशियसिज्म की तालीमात या कन्फ्यूशियसिज्म मजहब महफूज इसलिए नहीं रहा कि इसमें जो दौरे इब्तिला आया तो उसमें इसकी जो किताबें थी बुनियादी किताबें वो जला दी गई, बाद में उनको फिर मुरतब किया गया, इसलिए उनमें तगैयुरात और तहरीफात का इम्कान हो गया, तालीमात सही अंदाज में मौजूद न रह सकी। इसके बरखिलाफ कन्फ्यूशियसिज्म के बरखिलाफ इस्लाम की तालीमात की जो बुनियाद है कुरान करीम, उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़, तो जिसकी और तारीख भी शाहिद रही है कि अब तक इस पूरे 1450 साल के पूरे इस अरसे में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कुरान करीम में कोई तहरीफ करने की कोशिश की हो और उसकी मुखालफत करके उसको उम्मत ने इजमाई तौर पर रद्द न कर दिया हो, बल्कि आज तक भी कुरान वही है जो जैसा कुरान नाजिल हुआ था बयान ही वही है, उसमें किसी किस्म का कोई ना लफ्ज़ी ना मानवी किसी किस्म की कोई तहरीफ नहीं हो सकती। सोच और फिक्र का जाविया कन्फ्यूशियसिज्म हुक्मरानी और जहाबानी के उसूल वजह करता है और उसमें अखलाकियात को भी सेरे बहस लाता है। इसका बुनियादी मकसद अवाम को खुश करना और खुश रखना होता है। इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि अपने हर अमल के जरिए अल्लाह को खुश करने और खुश रखने के बहाने ढूंढने चाहिए। इसकी रजा में सबकी रजा है, उसकी नाराजगी में सबकी नाराजगी, यानी कन्फ्यूशियसिज्म और इस्लाम की जो सोच और फिक्र का जाविया है उसमें बुनियादी फर्क यह है कि कन्फ्यूशियसिज्म सिर्फ इस बात तक सोचता है कि बादशाह या हुक्मरान अवाम को कैसे खुश रखें और अवाम पे क्या जिम्मेदारी है कि बादशाह उसे खुश रहे, एक हद तक सोचता है बस, जबकि इस्लाम में की सोच और फिक्र का जाविया अवाम और हुक्मरान तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ अल्लाह को खुश, अल्लाह की रजा हासिल कर। इसके लिए फिर उस
फिर दीगर अमाल कैसे कैसे गुजारा जाए, जिंदगी के तमाम मराहिल की फिर रहनुमाई की गई कि इन मरहलों पे चल के, इन उसूलों पे चल के अल्लाह को खुश किया जा सकता है। इस मैदान में है तो इस पर अमल करके अल्लाह को खुश किया जा सकता है। हर अहकाम में, हर अमल में मर्जी मौला, खुदा की मर्जी शामिल होने की निशानदेही की जाती है और इस बात का हुक्म दिया जाता है कि ये खुदा की मर्जी के मुताबिक ये अमल है, इसको करेंगे तो खुदा की मर्जी हासिल हो जाएगी। ये दोनों में किस सोच में फर्क आराम। अन्फ्यूशसिन की तालीमात में है कि इंसान दयानतदारी से जो माल कमाए वो हलाल और बददियानती या जराइम की मदद से कमाया जाने वाला माल हराम है, खौ बजाते खुद हलाल ही हो। इस एतबार से दुनिया की हर हलाल चीज को हराम और हराम को हलाल किया जा सकता है। इस्लाम ने हलाल और हराम का इख्तियार बंदों के हाथ में नहीं दिया, बल्कि ये इख्तियार उस जात के पास है जिसे हम अल्लाह। हलाल और हराम की तालीमात दोनों में मिलती हैं, इस्लाम और कन्फ्यूशियसिज्म में, लेकिन दोनों में अगरचे मिलती हैं लेकिन दोनों में फर्क है। इस्लाम में हलाल और हराम का इख्तियार इंसान के बस में नहीं, इसे बंदे के इख्तियार में नहीं, बल्कि ये अल्लाह के, कि अल्लाह ने जिस चीज को हराम कह दिया वो हराम, जिसको हलाल कह दिया वो हलाल। इसके बरखिलाफ कन्फ्यूशियसिज्म में एक उसूल बयान किया कि इंसान दयानतदारी से जो माल कमाए वो हलाल और बददियानती या जराइम की मदद से कमाया जाने वाला माल हराम है। यानी अगर कोई कहते बजाते खुद हलाल हो, इस तरीके से कोई हलाल चीज को भी अगर आदमी बददियानती, अगर वो दयानतदारी से नहीं कमाता है तो वो चीज हराम हो जाती है। यानी कन्फ्यूशियसिज्म में ये कि हलाल चीज को इंसान हराम कर सकता है और हराम को हलाल किया जा सकता है। आज के इस सबक का खुलासा ये, सबक में हमने सबसे पहले पढ़ा खुदा वाहिद के बारे में, फिर उसके बाद हयात बादल ममास से मुताल्लिक, तख्लीक कायनात के बारे में, फिर आलमगीरियत का तकाबुल किया कि इससे मुताल्लिक दोनों मजाहिब की क्या तालीमात, हिफाजत से मुताल्लिक कि दोनों मजहब में तहफ्फुज़ और हिफाजत दोनों मजहब की तालीमात किस कदर महफूज है, फिर सोच और फिक्र का जाविया पढ़ा, आखिर में हलाल और हराम से मुताल्लिक पढ़ा। ये इन तमाम मौजूआत को लेकर के हमने दोनों मजाहिब का तकाबुल किया, इसमें क्या है, क्या फर्क है, क्या मुवासलत है, क्या इत्तेफाक है, क्या इख्तिलाफात है, ये तमाम तफसीलात इस वक्त में हमने